हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अभिषेक खुद और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हर एक का जो लेवल है एंग्जायटी और डिप्रेशन का वो अलग अलग होता है, और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो सुसाइडल थॉट्स वाले जो केसेस होते हैं वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं और वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन से ही ठीक हो सकते हैं। ये जो वीडियो है या बाकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ एक बेसिक जानकारी के लिए हैं और आपको ये समझने के लिए कि अगर आपके पास हैं तो आप थोड़ा बहुत कैसे उनको रिवर्स कर लें। पर ये वीडियोस के थ्रू आप ट्रीटमेंट अगर वो करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम अपनी होती है और उसको दिमागी तौर पर उसे उभरना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। तो चलिए अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन बट कॉम्प्लिकेटेड मानसिक बीमारी की, जिसको हम लोग डिप्रेशन एंड एंग्जायटी भी बोलते हैं। अब आप ये भी बोलोगे कि डिप्रेशन और एंग्जायटी में फर्क क्या है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ सालों पहले इंडिया में जो सबसे बड़ी न्यूरोसाइंस की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन मेंटल बीमारी है वो डिप्रेशन है। लगभग 10 में से 4 लोगों को है, तो मतलब 100 में से 40% को। और डिप्रेशन एंड एंग्जायटी के बारे में हम लोगों को जानकारी इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि अगर हमें या हमारे परिवार में किसी को हो रहा हो तो हम इसे पहचान कर खुद को और उन्हें बीमारी से बचा सकें। देखिए, एक तो होता है कि बीमारी के बाद बचाना, पर अगर आपको जानकारी है तो आप बीमार होने से पहले ही बचा सकते हैं, तो इसलिए ये वीडियो देखने का बहुत फायदा भी है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन का मतलब क्या है। डिप्रेशन मतलब एक ऐसी बीमारी जिससे लोग मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर हो जाता है। वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, एक जगह अपनी सोच को टिका कर नहीं रख पाता, अटेंशन डेफिशिट भी हो जाता है, दूसरों से अलग अलग रहने लग जाता है, भूख कम लगती है, चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, दोस्त जब कॉल करेंगे तब उनको दोस्तों को भी इग्नोर कर देता है, और इधर सिर्फ नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, वो बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है। तो ये सब होता है डिप्रेशन में। अब गौर से सुनिएगा कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। जो आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है उसका मन बहुत ही चुप चुप और उदास रहता है। नंबर 2, यह एक उदासी होती है जो आमतौर पर होने वाली उदासी से थोड़ी अलग और गंभीर होती है। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में कुछ चीज अच्छी भी होती है तो भी उनको उस बात की खुशी नहीं होती, वो उसमें हमें नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा उदास ही रहना चाहते हैं। वो उनकी एक हैबिट बन जाती है कि हमें तो उदास ही रहना है, मतलब दिल से तो चाहते हैं कि वो खुश रहें, बट एक सिचुएशन और उनका जो पहले जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे उन्होंने जैसे बचपन जिया है उस हिसाब से जैसे वो जीते हैं, तो उस हिसाब से उनको डिप्रेशन में उनको उदास रहने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अकेला फील करते हैं और वो जिंदगी में थोड़ी होप दूसरों से कमी करते हैं, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि दूसरों से बहुत होप करते हैं फिर उनकी उम्मीद में कोई खरा नहीं उतरता तो वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, मेरी लाइफ तो बेकार है, वगैरह वगैरह। तीसरा लक्षण ये है कि उन लोगों को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी चीज में अब वो पहले वाला मजा नहीं आता, पहले वाली बात नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ओवरथिंकिंग कर करके अपने आप को डिप्रेशन की सिचुएशन में ले आते हैं। इसके कारण कई हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है कि जैसे कि आपने YouTube पे देखा कि 9 to 5 की जॉब बेकार है, अपना बिजनेस करो, अमीर बनो, पर उनकी जो रियल लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब जब रियल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है पर जो बाकियों की जो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें अपने आप में गिल्ट और एक शेम वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये शेम और गिल्ट वाली फीलिंग भी और अपने आप को अनवर्दी, मतलब कि अपने आप को दूसरों से नीचे समझने वाली फीलिंग भी डिप्रेशन बनवा सकती है। आपकी डिप्रेशन मतलब नॉर्मली तो आप सही थे, बचपन से जी रहे थे आप सही थे, पर सडनली ऐसे 9 to 5 वाली जॉब बेकार है, आपके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं, कोई अमीर बन रहा है, किसी की शादी हो रही है, पर आपकी लाइफ में कुछ नहीं जा रहा, तो आपको ये लगता है कि मेरी तो वैल्यू नहीं है, मैं तो डाउन हूँ, मेरी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है,
तो आपको ये गिल्ट, शेम, सेल्फ वर्दीनेस जो कम हो जाती है, तो ये वाली चीज भी आपको डिप्रेशन में ला सकती है। नंबर 5, नींद ना आना भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए नींद हमें नेचर ने इसीलिए दी है कि हम पूरी दिन की जो चिंता है उसको भुला के, हम सो के, हम अपनी बॉडी में एनर्जी दोबारा गेन कर लें और फिर हम अगले दिन के लिए दोबारा तैयार हों ताकि हम उस दिन को अच्छी तरह से जी सकें। पर आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया या फोन, किसी को फोन की लत लग गई होती है, किसी को ओवर थिंकिंग की लत लग गई होती है, वो फिर रात को फोन चलाते रहते हैं 1-1, 2-2 बजे तक और फिर सोते हैं और सुबह उन्हें जॉब पे जाना है, तो टोटल 4 से 5 घंटे की नींद ही अगर किसी ने ली है वो फिर पूरे दिन भर एनर्जेटिक कैसे रहेगा? अब पूरे दिन भर एनर्जेटिक नहीं रहेगा और वो जो थका थका रहेगा तो इस सिचुएशन में वो काम कैसे कर पाएगा? अब जब काम नहीं कर पाएगा तो वर्क ओवरलोड होगा और जब उसको आउटपुट भी अच्छा नहीं मिल रहा होगा उसकी लाइफ से तो भी उसको डिप्रेशन आ सकता है। और कई कई लोग रात को सोने से पहले ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं, या तो अपने आने वाले ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे, वो अच्छी बात है, पर उसका भी एक टाइम रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप सोचेंगे तो फिर आप नींद भी पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो वो ड्रीम कैसे पूरा होगा, राइट? तो ड्रीम पूरा करने के लिए भी आपको सोना जरूरी है। देखिए हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं और वो हमारे इमोशंस के साथ ही चलते हैं, इमोशंस के साथ ही वो बढ़ते हैं घटते हैं। जैसे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो हमें लव हार्मोन होता है, मतलब कि जैसे आप किसी को पहली बार देखते हैं और आपको पहली बार देखते ही उसे प्यार हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये तो अपना ही है, तो उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। जब हम खुश होते हैं, जब हम चॉकलेट खाते हैं, तो उस टाइम एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, और ऐसे ही एक सेरोटोनिन हार्मोन है वो हमें खुश रखता है, हैप्पी रखता है, सेटिस्फाई रखता है। और अब जब हम सोते नहीं हैं ढंग से तो ये जो हार्मोन्स हैं ये ढंग से रिलीज नहीं होते। अब जब हार्मोन्स ढंग से रिलीज नहीं होते, हार्मोन्स की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है, तो आपके जो बॉडी के इमोशंस हैं वो ढंग से नहीं आ पाते। तो इसलिए आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, अपनी हेल्थ सही रखनी होगी, तो उसकी वजह से डिप्रेशन अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, आपका माइंड भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप भरपूर सो रहे हैं, भरपूर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका माइंड भी क्लियर होगा तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोटीन के बारे में बताते हैं, फाइबर्स के बारे में बताते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताते हैं, पर विटामिन के बारे में कोई नहीं बताता, क्यों? और विटामिन हर एक डाइट में नहीं होता, और विटामिन से भी विटामिन और मिनरल्स, विटामिन मेनली विटामिन बी काफ़ी एंजाइम्स को बनाने में मदद करते हैं, तो इसलिए हमें डाइट भी अच्छी लेनी होगी जो कि आपको खुश रखे, जैसे कि लिटिल बिट चॉकलेट, या फिर आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं उस सप्लीमेंट का लिंक नीचे डाल दूंगा, जो भी मुझे अच्छा और बेस्ट लगा मैं वो सप्लीमेंट का लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए डिप्रेशन होना एक सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उनको प्रीनेटल डिप्रेशन हो सकता है, बच्चे पैदा करने से पहले होने वाला डिप्रेशन, चाहे उनकी इकोनॉमिक और फाइनेंस जो सिचुएशन है उसकी वजह से, या अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स को लेके टेंशन में है और जब उसको इतना डिप्रेशन हो जाता है और वो डिप्रेशन के कारण पढ़ भी नहीं पाता तो वो एक डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है। अगर वो थोड़ी बहुत टेंशन लेता है और पढ़ लेता है, अच्छे मार्क्स लाता है, देन इज गुड, बट अगर उसकी टेंशन पूरे साल चलती है और वो डिप्रेशन में आ जाता है और पढ़ नहीं पाता, याद नहीं कर पाता डिप्रेशन की वजह से, देन ही नीड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। और एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई दिल की बात करने वाला ना हो, जैसे कि अगर कोई बीमार है, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, या अगर कोई घर में व्हील चेयर पर पड़ा है, या कोई बेड से नहीं उठ सकता, या नॉर्मली भी कई लोगों के बहुत सारे फ्रेंड नहीं होते, कई लोगों का एक भी फ्रेंड नहीं होता, तो इधर अगर उनका कोई दोस्त नहीं है जो उनके दिल की बात करने वाला नहीं है, उनसे कुछ साझा करने वाला नहीं है, तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण बन सकता है। उस स्थिति में आप
एक पेट, मतलब कि एक कुत्ता पाल सकते हैं या एक कैट पाल सकते हैं, एक पेट जो कि आपके एक दोस्त की तरह आपके साथ रहेगा, आप उसकी टेक केयर करेंगे तो जो डिप्रेशन है वो एक केयर में बदल जाएगा, एक नए इमोशन में बदल जाएगा और आप अपने डिप्रेशन की स्टेट से जल्दी रिकवर कर लेंगे। हालांकि फ्रेंड्स बनाना भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बट आई थिंक जब आपने अब तक नहीं बनाया तो आगे भी, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आप कुछ एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको जैसे किसी चीज़ का शौक हो, जैसे कि चेस क्लब है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लब है, या कोई कोई सोसाइटी या सोशल एक्टिविज्म क्लब है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं कि जिससे आपको एक एम मिले, एक मोटिवेशन मिले, एक नई जानकारी हासिल हो, तो उधर से भी आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। या आपको कोई हॉबी हो आप उसे फॉलो कीजिए, तो उधर भी आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए डिप्रेशन एक लंबी बीमारी है, इससे कोई भी मेडिसिन खा के एकदम से क्विक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, पर मेडिसिन हेल्प बहुत करती है। देखिए अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपकी जो पहले जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो बिगड़ चुकी थी वो मेडिसिन उसको ठीक करने में हेल्प करेंगी। फिर आपके जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई एंजाइम है वो पहले नहीं रिलीज हो रहा था, या आपकी डाइट में वो एंजाइम था ही नहीं तो बॉडी में उसकी कमी थी, उसके कारण आप खुश नहीं रह पा रहे थे, पर अब आपने वो मेडिसिन खाई और अब फिर आपने उस एंजाइम की पूर्ति कर दी बॉडी में, तो अब आप खुश हैं। तो ऐसा है, तो मेडिसिन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप उन्हें अपनी डाइट बताएं और आप कैसे रहते हैं, अपना लाइफस्टाइल बताएं, तो फिर उसी हिसाब से वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, आप वो खाएं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से बचने के लिए नशा करते हैं। नशा करते हैं, पहली बार अच्छा लगता है, दूसरी बार अच्छा लगता है, तीसरी चौथी पांच बार अच्छा नहीं लगता, छठी बार अच्छा लगता है, मतलब हर बार तो अच्छा नहीं लगता। पर फिर इधर क्या हो रहा है, इधर देखिए आपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रिंकिंग स्टार्ट की, इधर आपकी ड्रिंकिंग हैबिट बढ़ रही है और साथ में डिप्रेशन भी साथ साथ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ड्रिंकिंग है वो सिर्फ आपको जब तक ही प्लेजर देती है, जब तक आप उसे ड्रिंक करते हो और जब तक आप ड्रंक रहते हो, पर आप पूरी लाइफ तो ड्रंक नहीं रह सकते। तो इसलिए उस ड्रिंकिंग की हैबिट को आप अवॉइड करें और सिर्फ जो इस डिप्रेशन का जो रूट है, इसकी जो जड़ है, उसको पकड़ें। वो आप डॉक्टर की सलाह से, अपने पर्सनल डॉक्टर की सलाह से आप उसे पकड़ें और फिर उसको सॉल्व करें। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं तो अपनी जगह चेंज कर लिए, वो जो आपके डॉक्टर हैं जो उनसे डिस्कस करेंगे वो आपको सारी सिचुएशन अच्छी तरह समझा देंगे और आप उसे अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हर एक का जो पैटर्न है, कारण है, रीजन है, वो अलग अलग होता है, और जब अलग अलग रीजन वाले, मतलब कि सबके लिए सेम सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कोई एक मेडिसिन नहीं बनी। सो इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर एंड सॉल्व योर रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। देखिए डिप्रेशन और एनेक्साइटी से बचने के लिए दो तरीके के मेडिकल मेथड होते हैं जो बहुत फायदेमंद होते हैं बीमारी के लिए। नंबर वन, पहले आप डॉक्टर की कंसल्टेंसी में दवाई ले सकते हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करे और हमारे मूड को थोड़ा ठीक करे, वो टू। दूसरा तरीका है आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट से मिलें और उनके सेशन फॉलो कीजिए, जिसमें कि वो आपको सारी चीज़ बताएंगे, आपके लिए डाइट चार्ट बना के देंगे, आपको क्या क्या करना है, डेली कैसे करना है और आपको लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, कब आपको सोना है, कब आपको उठना है और आपको आपकी हैबिट कैसे चेंज करनी है। तो वो आपको सारी चीज़ें वो आपके तरह का एक कस्टम प्लान जो बना के देंगे, तो वो सिर्फ आपके लिए ही होगा और वो आपके लिए ही बेस्ट होगा। तो इसलिए आप डॉक्टर से मिलें। और बाकी कुछ मेथड्स हैं, नॉवेल्स पढ़ना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, बट आई थिंक ये सब जानते हैं पर करता कोई नहीं है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, उससे पहले कि ये बढ़ जाए। क्योंकि देखिए जितनी जल्दी अगर आप जाएंगे उतनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगी, पर अगर ये अगर स्टेज बढ़ गई तो संभालना काफी मुश्किल होता है।
तो इसलिए आप जल्दी जाइए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. थैंक यू. सो गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर प्लीज डू कंसीडर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.